तो स्वागत है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, और सचमुच जल ही जीवन है कहते हैं। अगर जल ना रहे तो पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सारे जीव लुप्त हो जाएंगे। और जीवन की उत्पत्ति भी तो जल से ही हुई है। जितने भी वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना प्रयोग किया है, उन लोगों ने बताया कि सर्वप्रथम जीव जल में आए, जल में बने, और क्रमशः उनका विकास हुआ, तो फिर पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे बने, जिसे डार्विन के सिद्धांत द्वारा भी हम समझते हैं। तो मित्रों, सचमुच में देखें कि जल दिवस क्यों मनाने की आवश्यकता है और क्या कारण है। और हम कह सकते हैं कि जल पृथ्वी का अमूल्य निधि है। इसकी अनुपस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी जीव की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और ईश्वर ने इस निधि को, इस वस्तु को देने में किसी तरह की कंजूसी नहीं की है, बल्कि सफिशियंट है, बशर्ते कि आज के समय में हम उसका उपयोग सही से नहीं कर रहे हैं, और जिसके चलते हमें जल दिवस मनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो पहले मित्रों देखें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था, और हम ये भी जानते हैं कि इसी साल रियो डी जेनेरो में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी हुआ था, जो कि पूरे विश्व के लोग वहाँ एकत्रित हुए थे, और जल की ही नहीं बल्कि जितनी भी सारी समस्याएं हैं पर्यावरण से संबंधित, उस पर चर्चा हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1992 में जो एजेंडा 21 बनाया था, जो रियो डी जेनेरो में उसका प्रस्ताव पारित भी हुआ और जल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। उनके कुछ फैक्ट्स हैं, जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको देखें हम सचमुच में क्या क्या है। तो पृथ्वी के 34.4 करोड़ घन मील में पानी मौजूद है। इनमें से 31.5 करोड़ घन मील समुद्री जल है। 90 लाख घन मील जल पृथ्वी के अंदर, या भूजल जिसे कहते हैं, और मात्र 70 लाख घन मील बर्फ जो पीने लायक है वो बर्फ के रूप में है। और उसके बाद जो बचा सो सचमुच में जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, और सारे जीव उससे लाभान्वित हो रहे हैं। कहा जाता है कि एक पेड़ एक दिन में वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा लगभग 265 बड़ा पेड़ 265 लीटर पानी, या 200-250 से ऊपर पानी का उपयोग करता है। और प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में माना गया है कि कम से कम 2 लीटर पानी पिए, और पूरे जीवन में आप कल्पना कर सकते हैं कितनी पानी की एक एक मनुष्य की आवश्यकता होती है। तो इस तरह मित्रों, पानी बिनु सब सुन कहते हैं कि सारे चीज ठप पड़ जाएंगे, लेकिन आज के समय में पानी के जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या भूजल हो, उसको किसी न किसी रूप में हम प्रदूषित कर रहे हैं। और वो प्रदूषित जल हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मित्रों, जल दिवस के अवसर पर हम लोग यह प्रतिज्ञा करें कि सचमुच में पृथ्वी पर जो जल पीने योग्य है या जीवों के लिए उपलब्ध है, उसको हम किसी कीमत पर बचाएं, अन्यथा एक ऐसा समय आ जाएगा कि जल के लिए हम तरस के रह जाएंगे और पूरे पृथ्वी पर शुद्ध जल नहीं मिल पाएगा। और आज भी हम देखते हैं कि शुद्ध जल के लिए हम बोतलों पर आश्रित हैं। बोतल के जल अब सब जगह मिल रहे हैं, और उसी को हम स्वच्छ मानते हैं। क्यों? कि चाहे कोई भी स्रोत हो जल का, सारे स्रोत किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं प्रदूषण के मार्ग से। तो इसे बचाना हमारा पुनीत कर्तव्य है, और जब तक हम जल को नहीं बचा पाएंगे तो पूरे पृथ्वी के जीवों के अस्तित्व को हम नहीं बचा पाएंगे, जिसमें मानव भी एक है। धन्यवाद मित्रों, आशा के साथ कि हम लोग जल का प्रदूषण कम से कम करेंगे और उसका सदुपयोग अधिक से अधिक।